Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आज हम, देखते हैं दोस्तों, ये हमने अमेज़ॉन से मंगवाया है और आप देख सकते हैं इसके अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जल्दी खोलते हैं। तो ये इसका बिल है, बिल आप देख सकते हो, इसका बिल बाद में देखेंगे, पहले हम खोलते हैं ये मेन बोया BYM1 माइक। ये एक ओरिजिनल माइक है दोस्तों, मार्केट में डुप्लीकेट भी बहुत है लेकिन ये ओरिजिनल है। आप देख सकते हो इसकी डिटेल्स, ये कहाँ से आया है, किसने भेजा है, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर केयर नंबर, एवरीथिंग। ये फीचर थे DSLR वगैरह में कनेक्ट कर सकते हैं, हाई क्वालिटी बैटरी वगैरह, ऑडियो कंडेंसर, सब चीज़ यहाँ दे रखी है। इसकी ब्रांडिंग और इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। तो जल्दी से इसे ओपन करके देखते हैं इसके अंदर है क्या और क्या क्या सामान है। देखते हैं, ब्लैक कलर का बैग है और ये स्टीकर आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये बोया का स्टीकर है, इसे यूज़ कर सकते हैं आप कहीं पर। बोया का बैग है जिसमें कि बोया का माइक, आप डब्बे में देखते हैं और क्या क्या है। डब्बे में कुछ कागजात है इसके, इसके पेपर्स वगैरह, ये इसका कुछ कार्ड वगैरह है, इसे साइड करते हैं ज़्यादा। और इसमें बताया है कि इसे कैसे यूज़ करते हैं, इसकी स्पेसिफिकेशन कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर देखते हैं इसके अंदर हमें माइक के साथ साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमने इसका माइक निकाल लिया है, ये इसका कंडेंसर है, ये इसकी ब्रांड। इसमें एक स्विच दे रखा है, आप कैमरा मोड और स्मार्टफोन मोड दोनों पर ही इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको स्मार्टफोन पर यूज़ करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि इसकी वॉइस कैसी है। बैग के साथ साथ हमें कुछ और एसेसरीज मिल जाती है पन्नी के अंदर, इसके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। और बैग के अंदर से निकला है बोया का क्वालिफाइड सर्टिफिकेट एंड सिलिका जेल, इनको अंदर रखते हैं और हम फोकस करते हैं मेन चीज़ पर। अब इनकी एसेसरीज हम खोल कर देखते हैं, इस पन्नी में क्या क्या एसेसरीज इन्होंने दी है। दूर से तो हमें नज़र आ रहा है, यह है इसका सेल, कंडेंसर में सेल लगाने का, ये कैमरे के लिए यूज़ होता है, स्मार्टफोन के लिए यूज़ नहीं होगा। क्लिप आप देख सकते हो, ये अपने बोया के माइक में लगा कर अपने कॉलर वगैरह पे यूज़ कर सकते हो। ये जैक, इसको आप DSLR वगैरह कैमरे में, और इसके साथ हमें मिलती है ये रुई जो कि नॉइस कैंसिल करने के काम आती है। इन सबको साइड करते हैं, अब आते हैं मेन चीज़ पर, इसका कंडेंसर। कंडेंसर इसका खोल कर दिखाते हैं, इसके कंडेंसर में क्या क्या होता है। इसके कंडेंसर में देखिए आप, यहाँ पर एक सेल लगा सकते हो जो आपको मिलता है जब आप कैमरे के अंदर इस माइक को यूज़ करोगे तब। ये सेल वैसे यहाँ लगाते हैं और आप ये अगर कैमरे वगैरह में यूज़ कर रहे हो तो इस सेल को लगा कर कैमरा बोर्ड ऑन करके इसको यूज़ कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। इसको मैं बंद कर देता हूँ और आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसके फीचर्स वगैरह हम देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। हम इसकी रुई लेंगे और रुई इसको हम इस माइक के ऊपर लगा देंगे ताकि नॉइस ये कम से कम कैच करे। आप क्लिप इस तरीके से लगा सकते हो, आपकी क्लिप इस तरीके से आप क्लिप लगा सकते हो। जैक का यूज़ नहीं है, जैक को साइड में रहने देते हैं। उस करके दिखाएंगे कि इसकी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, फ़ोन के अंदर ये कैसा काम करता है, कितनी नॉइस कैंसिल करता है, ये हम आपको दिखाते हैं। तो आप ये वीडियो इस समय देख रहे हो, ये विदाउट माइक है, ये बिना माइक के आप देख सकते हो कि कितनी नॉइस आ रही है यहाँ पर, फ़ोन कितना नॉइस कैंसिल कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है, कितनी शोर शराबा दिखा रहा है फ़ोन के अंदर, ये आप देख सकते हो। अब हम चेक करेंगे कि बोया का BYM1 माइक लगा कर देखते हैं ये कितनी नॉइस कैंसिल करता है, कितना कारगर है, ये हम आपको आज दिखाते हैं। इसको हम अटैच करते हैं। लिया है, अब इसको हम यहाँ लगा लेते हैं कॉलर पर। इसको हमने कॉलर पर इंस्टॉल कर लिया है। अब देखते हैं, अब आप देख सकते हो कि ये हमारी कैसी वॉइस आप तक भेज रहा है और कितनी वॉइस क्लियर है, कितनी नहीं है, या फिर कितनी नॉइस कैंसिल कर रहा है, बाहर का शोर शराबा कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, अभी आप ये देख सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माइक है, मैंने इसे अभी मंगाया है यूज़ करने के लिए। ये ओरिजिनल माइक है दोस्तों, इसके लोकल एंड ओरिजिनल दो माइक आते हैं, आप ध्यान से
लीजिए ये माइक, अगर किसी दुकान से लेते हो तो किसी दुकान से अगर आप ये माइक ख़रीदते हो तो इसका बिल ज़रूर मांगे। बिल अगर आपको दुकानदार बिल दे देता है तो इसका मतलब वो माइक ओरिजिनल है, क्योंकि मार्केट में लोकल माइक भी बहुत आ चुके हैं। इसीलिए इन चीज़ों से बड़ा सावधान रहिए। अब मैं भी ये माइक यूज़ करने लग गया हूँ क्योंकि ये अच्छा माइक है, इसीलिए ज़्यादातर बिगनर यूट्यूबर इसी को यूज़ करते हैं और ये बजट फ्रेंडली है इसी वजह से।